अस्सलाम वालेकुम, गुलाम सवास राम सेट एंड ड्रीमनेक्स के पैनल से आज कंस्ट्रक्शन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सैफला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कंस्ट्रक्शन जो लोग करवा रहे हैं बहरिया टाउन में, इनका सबसे बड़ा कंसर्न यही रहता है कि कंस्ट्रक्शन विद मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट देना चाहिए या विदाउट मटीरियल। अच्छा, इसमें जो विदाउट मटीरियल कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, बेसिकली वो ये चाह रहे होते हैं कि दो उसके रिक्वायरमेंट्स होती है। एक तो ये कि वो मटीरियल को परचेज़ करें अपनी मर्ज़ी से, कलर स्कीम और चीज़ों को अपनी मर्ज़ी से डेफा से लेके चलें, और दूसरा इसकी थिंकिंग ये होती कि इसमें कुछ ना कुछ सेविंग की जा सके। लेकिन अगर कलर स्कीम की हद तक कहें तब भी, और सेविंग की भी बात करें तब भी, तो ये दोनों बड़े मुश्किल काम है, ऐसे हो नहीं सकता। वजह क्या होती? एक तो वजह ये कि जब आप ख़ुद परचेज़ करने जाते हैं तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे होते हैं किसी भी मटीरियल को परचेज़ करने, और आपकी क्वांटिटी भी थोड़ी होती है एक घर की होती, तो आपको वो सस्ता मिलने की बजाय महंगा ही मिल रहा होता मटेरियल। और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको फुल फ्लेज, जब तक आपका घर बन रहा है आपको पूरा उसमें पूरी फुल फ्लेज जॉब करना पड़ती है। आपको मटेरियल भी परचेज़ करना पड़ता है, आपको उसकी क्वालिटी भी सिलेक्ट करनी पड़ती है, आपको मार्केट भी सिलेक्ट करनी पड़ती है, और फिर आपको साइट पर अगर मटेरियल डिलीवर होता है तो उसकी बाद उसको सेव करने के लिए आपको कोई वॉचमैन रखना है या कुछ करना है, उसको भी आपको देखना पड़ता है। तो आप एक तरह के पूरा लेबर के साथ एज ए लेबर ही काम कर रहे होते हैं। आपकी साइड पे कोई पंप ख़राब हो गया है, कोई छोटी सी चीज़ चेंज लानी है, तो एक एक चीज़ के लिए आपको खुद ही जाके वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो यही सबसे बड़ी का बात है कि घर बनाने के लिए आपके पास टाइम, और आपके पास इस तरह की इतना टाइम मैनेज करना, फिर अपनी एक्सपर्टीज़ को यूटिलाइज करना, ये एक बड़ा बहुत बड़ा मुश्किल टास्क है, और दोनों फैक्टर चाह रहे हैं ना। अच्छा, फिर क्वालिटी की बात आती है, तो क्वालिटी सेलेक्ट करने के लिए देखें, जब हम जैसे विला बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर के हद तक तो कोई इन्वॉल्वमेंट की खास की ज़रूरत नहीं होती। और अच्छी बात ये है बहरिया टाउन के अंदर कि उसमें बहरिया टाउन ख़ुद इन्वॉल्व होता है और उसकी जो क्वालिटी है उसको मेक श्योर करता है। बल्कि हम यहाँ देखते हैं कि जो स्टील या जिस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं बहरिया टाउन के स्टैंडर्ड है, वो 40% ज़्यादा स्टील डलवाते हैं जो बाकी मार्केट में चलता है। ठीक है, ये मतलब एक्सपेंस के लिहाज से देखें या इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद ये ठीक नहीं है, बट कस्टमर एंड पे देखते हैं या स्ट्रेंथ को देखते हैं तो शायद ये ठीक भी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि बहरिया टाउन इसको मेक श्योर करता है, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। सिर्फ जब बात आती है फिनिशिंग आइटम की, सिलेक्शन की, तो उसमें हम लोग भी कस्टमर को लिबर्टी देते हैं कि टाइल का जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उस वक्त टाइल का साइज़ डिफाइन हो जाता है, उसकी प्राइस डिफाइन हो जाती है, किसी हम 2000 रुपी पर स्क्वायर यार्ड वाली टील, स्क्वायर मीटर वाली टाइल लगाएंगे। लिबर्टी क्या है कि आप जब टाइल लगाने का टाइम आएगा हम आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि ये टाइम आ गया तो हम टाइल सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो आप बताएं अगर आप उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो फलां स्टोर पर आ जाएँ, हम भी आ जाएँगे, तो वहाँ पर अपनी कलर स्कीम के मुताबिक आप उसको बता दीजिएगा, या जो अवेलेबल उस वक्त कलर स्कीम है या अवेलेबल टाइल्स हैं उनके जो प्रिंट है वो हम उनको व्हाट्सअप कर देते हैं, वो उसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर इसी तरह पेंट की सिलेक्शन है, इसी तरह वार्डरोब्स की सिलेक्शन है, उसमें कलर स्कीम चल रही होती है, किचन कैबिनेट्स की सिलेक्शन है, ये तीन चार चीज़ें होती हैं जिनकी सिलेक्शन के लिए कस्टमर को इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो वो वैसे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ होती है, फॉल सीलिंग के डिज़ाइन होते हैं, वो भी इसी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, या स्विच बटन जो होते हैं इलेक्ट्रिक के, उसमें इन्वॉल्व होना होता है। तो वो घर बैठे जहाँ बैठे हैं, हमारे चूँकि मोस्टली कस्टमर ओवरसीज़ हैं, तो वहीं बैठे बैठाए हम उनको लिंक भेज देते हैं, जिस वेबसाइट का हमें वो जहाँ से ले रहे हैं तो उस कंपनी की वेबसाइट लिंक, उसको कोड नंबर वगैरह भेज देते हैं, वो उधर ही उसको देख लेते हैं और वहीं से बैठ के हमें सिलेक्शन कर देते हैं। तो कलर स्कीम या फिनिशिंग क्वालिटी या फिनिशिंग डिज़ाइन, उसको भी सिलेक्ट करने में कोई कबात नहीं, कोई मसला नहीं, अगर इस वजह से आप ख़ुद मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं तो। और दूसरी बात मैंने पहले बोल दी कि अगर आप प्राइस सेविंग की तरफ जा रहे हैं तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो भी आपको महंगा ही पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर हम हैं तो हमारे मल्टीपल बन रहे होते हैं विला, भले हम इकट्ठा मटेरियल ना भी लेके आए लेकिन रेपिटेशन होती है, हम मार्केट को जानते हैं, बार बार एक ही मार्केट में जाके मटेरियल को परचेज़ कर रहे होते हैं। फिर हमारा जो मटेरियल परचेज़ करने वाले प्रोक्योरमेंट वाले लोग होते हैं, डेफिनेटली वो थोड़े एक्सपर्ट भी हो जाते हैं क्योंकि उनके रूटीन बेटर है और वो उनकी एक्सपर्टीज़ है, तो मटेरियल भी सस्ता ला पा रहे थे। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इस वक्त जो मार्केट में कंस्ट्रक्शन रेट चल रहे हैं वो इतने लीस्ट हैं कि बिल्डर अगर लॉस किए बगैर वो विला बना ले तो ये उसकी बड़ी कामयाबी। अगर कोई मेरा एंड यूज़र दोस्त मुझे ये कहता है कि वो जो मार्केट में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो महंगा है और वो जो ख़ुद बनवाएगा इस तरह लेबर के थ्रू या कुछ, तो वो सस्ता बना लेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
क्योंकि इस वक्त हो क्या रहा है कि मार्केट में बहुत सारे रेट कोट होते हैं एंड यूज़र को, और ये हम बहुत सारी पहली वीडियोस में भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि रेट बड़े ऐसे रेट डिफाइन हो रहे होते हैं, ऐसे रेट कोट हो रहे होते हैं जिस पे विला बन ही नहीं सकता। लेकिन बहरहाल उस रेट कोट होने का इम्पैक्ट ये पड़ता है कि जो एंड यूज़र है या क्लाइंट है उसको एक फिगर मिल जाता है। से मैं आज कहता हूँ आज कोई 3800 रुपी पर स्क्वायर फीट का रेट कोट कर देता है किसी क्लाइंट को कि इतने में मैं आपको विला बना दूंगा, अब उतने में बनेगा या नहीं बनेगा वो एक अलग चीज़ है, बट कस्टमर के जहन में फिगर आ जाएगा कि 3800 में बनता है। और अगर कोई दूसरा बंदा 4500 रेट कोट करता है तो वो यही अज्यूम करेगा कि यार ये बहुत महंगा कर है। ये चीज़ कौन जज करेगा कि वो 38 में बनता ही नहीं और 45 में बन जाए तो बड़ी बात है। सो इन मुख्तलिफ रेट के कोट होने की वजह से जो एक मार्केट में एक रेट का जिसे कहते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाता है या ट्रेंड चल पड़ता है वो इतना कम है उसके विला बनाना ही मुश्किल टास्क है। बिल्कुल ठीक है ना। तो एंड यूज़र बजाय इसके कि मेरा ये मशवरा है कि बजाय इसके कि वो खुद मटेरियल परचेज़ करने की तरफ जाएँ, खुद उस मटेरियल को सेव करें, उसकी सिलेक्शन की तरफ जाएं और फुल लेबर जॉब करें, उससे बेहतर है कि वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें और अगर उनके पास टाइम है तो उसमें इन्वॉल्व रहें मैक्सिमम हद तक। आप साइट पे विज़िट करें, प्रोग्रेस रिपोर्ट लें, अपने जो साइट पे इंजीनियर हैं जो काम करें उनके साथ रबते में रहें, इसको इस तरीके से इन्वॉल्व हो सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद करने गए तो एक तो महंगा पड़ेगा जो आज तक की प्रैक्टिस है, और दूसरा ये है कि आपको ये थका देने वाला काम है। तो रेट अगर ज़्यादा होता ना कोट हो रहा होता कि सपोज़ 4000 पर स्क्वायर फीट में विला बन सकता है पर स्क्वायर फीट रेट के हवाले से, और यहाँ मार्केट में चार्ज हो रहा है 5000 या इससे भी ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैं ज़रूर मशवरा देता कि आप खुद इन्वॉल्व हों, आपकी एटलीस्ट कॉस्ट सेविंग होगी। लेकिन अभी जो यहाँ पर ट्रेंड है कॉस्ट सेविंग नहीं होती, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम जो बिल्डर है या जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपनी जेब से ही डाल के विला को कम्प्लीट कर रहा होता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अब सारे विलास पे लॉस ही होता है या हर कॉन्ट्रैक्टर या हर बिल्डर ही लॉस ही कर रहा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम ये हो रहा है। एक तो इन्फ्लेशन रेट की वजह से कुछ प्राइसेस बड़ी चीज़ें हुई, और दूसरा ये कि रेट बड़ा कम्पिटेटिव है कस्टमर को मैनेज करने के लिए। ज़ाहिर है आपको जब मार्केट में काम करते हैं तो आपको कस्टमर को भी इंगेज करना आपका वो उसमें जिसे कहते हैं अचीवमेंट है। प्रॉफिट एंड लॉस तो डेफिनेटली होता ही होता है, लेकिन क्लाइंट को भी इंगेज करना ज़रूरी होता है, और वो कम्पिटेटिव रेट पे जाके करेंगे तो फिर उसके रिजल्ट ऐसे ही हैं जैसे मैंने आपको बता दिया। तो एक्सपीरियंस की बात है, हम तो अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। पिछले 4 साल का जो बैरियटाउन में कंस्ट्रक्शन का फेज़ चला है, जिस तरह की इन्फ्लेशन हुई है, जिस तरीके के रेट कोट हुए हैं, जिस तरीके के विलाद बने हैं और उनका जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है, तो उसकी बेस पे हम ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल हो सकता है मेरा कोई दूसरा दोस्त जब कैलकुलेशन कर रहा हो मटेरियल और विदाउट मटेरियल के हवाले से तो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स में फ़र्क हो, तो फैक्ट्स एंड फिगर्स में फ़र्क होगा तो डेफिनेटली उसकी एक अपनी वर्किंग है, बट बेस रेट और प्रैक्टिस के मुताबिक यही है। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया। कंस्ट्रक्शन की मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।